नमस्कार दोस्तों, घने लंबे और खूबसूरत बाल हर लड़की की चाह होती है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और न्यूट्रिशन की कमी के चलते ज्यादातर लड़कियां पतले बालों को लेकर परेशान रहती हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए ना जाने क्या क्या उपाय करती हैं, लेकिन फिर भी असर काफी कम होता है। अगर आप भी पतले और बेजान बालों के कारण पोनी बनाने से डरती हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपके लिए पतले बालों को घना, चमकदार और हेल्दी बनाने का एक आसान सा तरीका लेकर आए हैं। जी हाँ, हम आपको एक ऐसे घरेलू शैम्पू के बारे में बताएंगे जो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आपके बालों को एक ही वॉश में घना कर देगा। चलिए जानते हैं आपको शैम्पू बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको चाहिए एक अंडा, एलोवेरा जेल 2 चम्मच, सेब का सिरका 4 चम्मच, पानी 2 चम्मच। सेब का सिरका बालों के लिए जादू का काम करता है। इससे बाल धोने से आपके बाल बाउंसी दिखते हैं। बाउंसी बाल पतले होने पर भी घने लगते हैं, यानी कि सेब के सिरके से आप तुरंत बालों को घना दिखा सकती हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपके बाल प्राकृतिक रूप से खूबसूरत बनते हैं। साथ ही अंडे में प्रोटीन, जिंक, सल्फर और सिलेनियम भरपूर मात्रा में होते हैं। अंडे को बालों में लगाने से बाल स्वस्थ और घने होते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल हर तरह के बालों पर लाभदायक होता है। ये बालों को मजबूती देता है और साथ ही बालों को घना, स्वस्थ और चमकदार बनाता है। और अगर इन तीनों चीजों को एक साथ मिला लिया जाए, फिर तो क्या कहने। चलिए जान लेते हैं शैम्पू को बनाने की विधि। सबसे पहले एक बाउल लें, उसमें सेब का सिरका, पानी और एलोवेरा जेल को मिला लें। फिर इसमें अंडे को मिलाएं, सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को अपने बालों में शैम्पू की तरह लगाकर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब अपने बालों को पानी से धो लें, लेकिन इस घरेलू शैम्पू से झाग नहीं होगी। अंडे की मौजूदगी के कारण हो सकता है कि आपके बालों से बदबू आए, इसलिए इस घरेलू शैम्पू में आप कुछ बूंदे लेवेंडर ऑयल की भी डाल सकते हैं। शैम्पू करने के बाद अपने बालों को एक मग पानी में 2 चम्मच सिरका मिलाकर रिंस करें। इससे आपके बालों में और ज्यादा बाउंसी लुक आएगा। तो आप भी इस प्राकृतिक शैम्पू को बनाइए और अपने बालों को हेल्दी और घना बनाइए, और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप का बटन दबाकर हमें बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये शैम्पू बनाने में आसानी होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं ऐसी ही हेयर केयर और स्किन से जुड़ी हुई जानकारी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।